गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर फाइन। माय सेल्फ त्रिगुणा पटेल। टुडे सब्जेक्ट इन लेटर एंड वर्ब्स। टुडे टॉपिक इज स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग मींस वी ऑल आर स्टैंड इज कॉल्ड स्टैंडिंग। देन अदर थिंग स्केल, ये स्केल आपको स्टैंडिंग लाइन में दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो स्टैंडिंग कॉल्ड अ बुक भी ये स्टैंडिंग लाइन में आपको दिखाई दे रही है। Then I teach how to draw standing line. Red, blue, red. First of all red, और ऐसे हमें dot करना है, blue पर नहीं, second वाली blue पर हमें ऐसे dot करना है। Red to blue standing, red to blue standing, red to blue standing. रेड टू ब्लू स्टैंडिंग। अगर आपने स्टैंडिंग लाइन ऐसे बाहर निकाल दी तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग। प्रॉपरली हमें रेड टू ब्लू ही स्टैंडिंग लाइन करना है। चलो, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग। अगर आपने इसे पूरी तरह यहाँ पे टच नहीं किया तो भी ये रॉन्ग होगा। हमें प्रॉपरली रेड टू ब्लू स्टैंडिंग ही करना है। चलो अब आपको क्या करना है, आपकी इंग्लिश की ये छोटी बुक्स निकालना है। फोर लाइन की बुक्स है हमारी। यहाँ पे आपको ऐसे सी डॉट डब्ल्यू स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे स्केलिंग करना है और यहाँ पे एच डॉट डब्ल्यू और आज की डेट डालनी है। यहाँ ऐसे आपको स्टैंडिंग लाइन करना है, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग, रेड टू ब्लू स्टैंडिंग। आपको बाहर भी नहीं निकालना और ऐसे आधा भी नहीं छोड़ना, आपको प्रॉपरली रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन ही करना है। उसके बाद आपको ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको लेटर एंड वर्ड में इंग्लिश की पार्ट वन वाली बुक्स निकालनी है। उसमें आपको यहाँ पे आपका नेम लिखना है। उसके बाद पैटर्न वन में आपको ये लॉलीपॉप का पिक्चर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको देखो ये डॉट डॉट दिया है, उसमें आपको स्टैंडिंग लाइन करनी है डॉट के ऊपर। और फर्स्ट लाइन आपको दी है उसको आपको ट्रेस करना है। उसके बाद रेड टू ब्लू आपको स्टैंडिंग लाइन अपने आप करनी है। आज का हमारा यहाँ तक का ये होमवर्क। थैंक यू, बाय।